때 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे पीछे से नजर भी आ रहा है। गाइस कैसे हो आप लोग? तो मुझे पता है अब आप लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ये बाजी हफ्ते के बीच में कैसे अभी नजर आ रही है, लेकिन बीच में मैं क्यों आई हूँ। मेरे पास एक बहुत गुड वाली न्यूज है, अच्छे वाली न्यूज है। अच्छे वाली न्यूज ये है कि आप लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो, तो आप लोगों को ये बैग का तो लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बैग जो है ये मोर देन हाफ ईयर से बहन आपकी यूज करी है। इस बैग की कंपनी है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है अप टू 75% ऑफ और इनकी नवंबर की सेल है। तो मैं अगर आपको सच्ची में अपना ऑनेस्ट वाला ओपिनियन दूं ना आफ्टर यूजिंग मोर देन हाफ ईयर, तो सच्ची में ये बैग बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और सबसे बढ़ के अभी तक खराब भी नहीं हुआ, मुझे खुद भी समझ नहीं आई। और देखो और है बहुत क्यूट सा, ये क्यूट सा आपको एप्पल भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना, यहाँ पे मतलब और डिफरेंट टाइप के बैग्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्यूट क्यूट स्टाइल भी है और अगर आप लोगों को ज्यादा चीजें कैरी करनी है तो उसके लिए आपको बड़े बैग भी मिल जाएंगे। ये बैग मैंने खुद चूज किया था और आप भी जाके अपनी मर्जी का पसंदीदा जो भी आपको पसंद है बैग आप वो यूज कर सकते हो। तो आप इस बैग को बोल सकते हो सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। अपॉर्चुनिटी आपके पास 21 नवंबर से लेके 26 नवंबर, और जल्दी से जाओ टेडी ब्ले की वेबसाइट पे और अपनी पसंदीदा मजे का अच्छे वाला बैग ऑर्डर कर लो, और फिर मुझे लास्ट में मेरे साथ शेयर करो कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जाके व्लॉग देखो। तो ये व्लॉग आप देखने वाले हो, ये मेरा जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी का डॉर्म टूर है। तो ये वाला जो आप रूम टूर देख रहे हो ये मैंने सोल आने से एक दिन पहले बनाया था, तो थोड़ा सा मैसेज ऐसे भी होगा, तो अच्छे से देखो। और जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो सारंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट किसी व्लॉग के लिए नहीं आई जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि रूम टूर कर लो, रूम टूर कर लो, रूम टूर कर लो। क्या है मेरा रूम में? लप्पू सा मेरा रूम है, छुटकू सा मेरा रूम है, लाइट इसमें आवे ना। इसे अपना रूम टूर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे क्योंकि मैं इतनी ज्यादा लेजी हूं ना, मैंने अपना रूम टूर, लोग आते हैं ना कोरिया सबसे पहला काम होता है उनका रूम टूर करने का, मैंने क्या किया है मैं मतलब जब जेजू से जाने लगी हूँ तब मैं आप लोगों को अपना रूम टूर दे रही हूँ। बहुत गुड हो गया जी। हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। ये जो था यहाँ पे मैं बहुत आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे मतलब रूम्स हैं तो आपको अलाउ नहीं है। और फिर यहाँ पे मतलब कार लगाओ और इसको खोलो और ये अंदर से यहाँ पे ये वाली लाइट आपका इस्तकबाल करती है। तो ये रूम का डोर है और उसके साथ बिल्कुल ये कोरिया में मतलब आप लोगों ने अगर देखा भी हो तो ये होता है शू रैक। तो ये है जी मेरे शूज, ये मेरा सारा एक्स्ट्रा माल मता पड़ा हुआ है। उसके बाद ये एक अकलौती हील, सच्ची में मेरे पास सिर्फ ये एक अकलौती हील है जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और मैंने नहीं पहनी। और ये शूज हैं, ये भी शूज हैं, ये भी शूज हैं, ये मेरा खुस्सा है, गंदा हो गया। तो सबसे ज्यादा जो मैं पहनती हूँ बस इन तीनों को ही सारा जर्फ बर्फ बख्शती हूँ। जो अगर आग शाग लग जाए ना तो इसके साथ स्प्रे करते हैं जिससे आग बुझ जाती है। और ये मेरा डिटर्जेंट है, ये ना इतना थोड़ा सा, मैंने कल कपड़े धोए और मेरी ना इतना ये बस इतना सा रह गया थोड़ा सा ना, तो मैंने अब मेरे इसलिए इतना थोड़ा सा रखा हुआ है ऐसे करके क्योंकि मैंने अपनी बेडशीट धोनी है अभी। उसके बाद आती है ये कबर्ड जी, हमारी बिस्मिल्लाह हो रही है अब कबर्ड से, ठीक है ठीक है। और ये मेरे कपड़े शरीफ हैं, तो सॉरी अगर आप लोगों को मैसी लगे क्योंकि मुझे यार ये क्यों बंद हो जाता है बार बार, क्योंकि वैसे इतनी मैसी है तो नहीं, साफ सुथरी है, तो क्योंकि बस हैंगर शेंगर की वजह से थोड़ी सी लग रही है। मैं कोई इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी बट मेरे लिए स्पेस काफी थी क्योंकि मैंने सच्ची में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं खरीदा। ये वाला पोर्शन है, इसमें मेरे सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, वो भी वैसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम कपड़े मैंने यहाँ से खरीदे हैं। ये मेरे कुछ कुर्ते शुरते हैं, ये शायद आप लोगों ने मुझे पहने देखा, कुछ मैंने वैसे धोके वैसे ही हैंग कर दिए थे। और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये मेरा अपर है नमाज पढ़ने के लिए। ये है मेरे स्टॉलर्स जो कि मैं अपने साथ सारे ये सारे अपने साथ पाकिस्तान से लेके आई थी मेरे हर ड्रेस के साथ। इसमें कुछ मेरे सर्दियों के कपड़े अभी बाहर ही हैं। ये मेरी जैकेट है, इसको वैसे बाहर रखते हैं क्योंकि नहीं तो फिर खराब हो जाती है। ये वाली जो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये कुछ और जैकेट्स हैं, ये शायद आप लोगों ने मुझे पहने नहीं देखा, ये आप मुझे देखोगे सून। ये मेरे सारे के सारे मेरे जो कपड़े हैं ये गर्मियों के कपड़े, ये पाकिस्तान से मैं अपने साथ लेके आई थी और इसमें से शायद तो इसमें से शायद आपने मुझे बहुत सारे कपड़े पहने हुए देखा है। माल मत आया ना सारे का सारा पाकिस्तान का, यार तू बंद हो ही जा स्यापा, हाथ माना पड़ता है ना फिर बंदा क्या करे, इधर लाइट नहीं है यहाँ पे बेचारे।
बड़ी वाली यूनिवर्सिटी है ना, इस वजह से लाइट नहीं है यहाँ पे। बहुत तेज हो रहा है। बाद मेरा ये बैग है, ये इसमें मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, ये मेरी जीन्स पड़ी हुई है, सारी मेरी जीन्स और ट्राउजर। फिर मैं कहती हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कितने ज्यादा कपड़े हैं गाइस। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मेरे बैग्स पड़े हुए हैं, ये मैंने जो पहन के जानी है, ये मेरे कुछ हैंगर्स हैं, बल्कि हैंगर्स की समझो बारात आई हुई है। ये शावर रूम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक मिरर है जो कि मेरी तवक्को से ज्यादा साफ है। तो ये एक छुटकू सा बेसन है, छुटकू से बेसन के ऊपर मेरा हैंड वॉश पड़ा हुआ है, साथ मेरा क्लींजर है जिसको भी मैंने इतना निचोड़ा जितना निचोड़ा जा सकता था। एक और फेस वॉश है जिसके साथ मैं अपने हाथ धोती हूँ। यहाँ पे मेरा टूथब्रश है और पेस्ट है, दैट्स ऑल। इसके अंदर ज्यादा कुछ इसके अंदर भी नहीं है। ये एक मेरा हेयर पैक है, उसके साथ हेयर फेस ऑयल है, उसके साथ मेरा फेस वॉश है और दैट्स ऑल। और उसके ऊपर मेरा माउथ वॉश पड़ा हुआ है। और बाथरूम की तरह यहाँ पे एक सीट है, बस यही था इसका मेरा छुटकू मुटकू सा बाथरूम। अब इसको बंद कर देते हैं। और इसके साथ यहाँ पे है क्या इसको बोलते हैं, शावर रूम। ये जो मेरा शीशा है ना, जब मैं आई थी ना ये तब भी ऐसा था, मैंने बहुत ट्राई मारी कि इसको मैं कुछ कर लूँ। साथ बस कुछ शैम्पू वैम्पू पड़े हुए हैं, इसमें ना मैं शैम्पू डाल के ना वो क्या उसको कहते हैं हिला लेती हूँ और फिर सर पे जरा अच्छा लग जाता है। मैंने अपना जो गले में स्टॉलर पहनती हूँ ये धोने के लिए रखा हुआ है, तो ये स्टील अभी भी ऐसे ही है। तो बस छुटकू सा था ये वाला भी। ये जो मेरे पीछे वाली कबर्ड है ये मेरी रूममेट की है जो कि मेरी जिंदगी से जा चुकी है, तो ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। और अब जी बारी आती है मेरे बिस्तर की। मेरे बिस्तर पे क्या है, मेरे बिस्तर पे क्या है, मेरे बिस्तर पे क्या है, मेरे बिस्तर में बेडशीट है, मेरे बिस्तर पे तकिया है, मेरे बिस्तर पे कंफर्टर है, मुझे तो पता ही नहीं था। और एक्चुअली बेड के नीचे भी क्या है, बेड के नीचे यहाँ पे आपको दो ड्रॉर नजर आ रहे होंगे। ये मैंने कोरिया के फर्स्ट डे लिया था ये वाला, क्या इसको बोलते हैं, मैं इसी पे सोई थी पहले दिन। इसको खोलो तो ये काफी ज्यादा स्पेस है इसमें, बट इसमें इस टाइम मेरे पास कपड़े ज्यादा नहीं है, मोस्टली मैंने ज्यादा वाले पैसे पैक कर दिए हैं, थोड़े बहुत बच गए हैं। इसको बंद करते हैं, इस तरह का सेम ही इसके साथ ये वाला भी है। चलें जी, अब हो गया बेड, बेड आपने देख लिया, काफी सारा सामान मैंने पैक कर दिया है उसके अंदर। वीडियो में बोला था मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास सच्ची में मैं पैक करी हूँ ना, मेरी सही वाली बैंड बज रही है कपड़े पैक करते हुए। बट सच्ची बताऊँ बाकियों की नस्बत फिर भी कम है मेरे, मतलब सिर्फ दो तीन डिब्बे ही बने हैं कपड़ों के, ज्यादा तो नहीं है, बस दो तीन डिब्बे ही हैं। तो ये जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है ये मेरे वाली साइड है, तो जो ये वाला ऊपर वाला सामान आपको नजर आ रहा है ना ये मैंने खुद बनाया है। ये मैं जरा यहाँ पे ना ऊपर चढ़ के आपको दिखाती हूँ, हम इसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। यार मुझे लग रहा है मैं ना प्रेसिडेंट की सीट पे खड़ी होंगी। किसी ने मुझे चुपड़े लगा देनी आके, तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊं। गाइज ये मैंने खुद बनाया था, ये मैंने, अगर यार वो मेरी दीवार टूटी हुई है, मेरी नहीं मेरी डोमेट्री की दीवार टूटी हुई है, तो ये सारा कुछ मैंने खुद बनाया। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने हिमने, हिमने का मतलब फाइटिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ हैंगबुक मामू आई डोंट नो व्हाटएवर जो दिया था, ये मुझे थारानी ने दिया था, तो ये जाहिर है ये लाजमी मेरे साथ जाएगा। तो ये ऐसे दिखता है कुछ वहां से चढ़ के। तो जी ये है मेरी बुक्स, सारी दुनिया जहान की बुक्स हैं, ये सारी मेरी कोरियन की बुक्स हैं। बुक्स आपको पसंद है तो आप वंडर लाजमी पढ़ो। इधर वाली साइड पे नीवे नीवे होके हम इधर वाली साइड पे आए, तो यहाँ पे कुछ मसाले पड़े हुए हैं, मेरी टी पड़ी हुई है, स्नैक था जो मुझे संदीप ने दिया था यहाँ पे, मतलब लग गए बहुत सारा कुछ आया। तो इसमें सारा कुछ है, इसमें मेरे परफ्यूम्स हैं, इसमें और मेरा हेयर सीरम है, थोड़ा सा मेरे स्किन का कोई टोनर शोनर है। ये बिल्कुल ही बेचारी की बैंड बज गई, चोरी जा चुकी है, ये मेरी सनस्क्रीन थी। यहाँ पे एलोवेरा जेल है और कुछ क्रीम्स हैं, यहाँ पे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट्स ऑल। ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैंने वैसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारा कुछ मेरा इतना ऑर्गेनाइज आएगा। तो अभी इसकी बैंड बजने वाली है क्योंकि मैं इनको पैक करने वाली हूँ। इतनी कम जगह थी ना, तो इस वजह से एक तरफ मसाले पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ बुक्स पड़ी हुई हैं, ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ये छुटकू सा तो रूम है, छुटकू सी तो जगह है, लपू सा रूम है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जो ये वाला मेरा माल है ये थोड़ा सा गंदा, इधर से हम शुरू करें। कुछ मैंने नोट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, फिर उसके बाद ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसमें भी मेरा बहुत सारा सामान है। और ये गाइस मैंने खुद बनाया था स्माइल, और बस ये टिश्यू है, तो ये बस यही है यहाँ पे सारा कुछ। मैं आपको सुनाती हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा था। रोम में खुद को खोके मैं को पाना बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है। वाह वाह वाह, चार पांच तालियां जरा मेरे लिए हो जाए। फाइनल लुक देख लो, ये सामान, ये सामान, ये भी सामान, ये भी सामान, और फिर उसके बाद आता है मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये वाला सामान। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अपना रूम गंदा रखा हुआ है, तो मेरा रूम बिल्कुल भी नहीं गंदा। तो जी ये हमारे जो तीन दराज हैं, पहले वाले में क्या है, टॉप, मेरी नाम नेहाद पिंस हैं, ठीक है। ये मैं सारी, ये सारी अपने साथ पाकिस्तान से लेके आई थी, और आप लोगों ने मुझे ये कभी लगाते हुए नहीं देखा। और ये मेरे नाम का टैग है आमना, कोरियन में आमना ऐसे लिखते हैं, और इसके साथ छोटा सा क्यूट सा भालू है मेरी तरह। इसको अब हम बंद करते हैं,
और उसके बाद आता है मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला। इसमें कुछ मेरे बर्थडे विशेस के कार्ड हैं और फिर यहाँ पे मेरा पासपोर्ट है, यहाँ पे मेरी कुछ प्यारी प्यारी पिक्स हैं। सारा जो माल है ना, ये सारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला दराज है, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने खुद बनाया था। कैन यू बिलीव दिस। में अच्छी खासी वैसे स्पेस है, इसके अंदर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये मेरा स्ट्रेटनर है, ये मेरे कुछ बैग्स हैं, इसमें कुछ ज्वेलरी है हल्की फुल्की। गाइस ये सारे वाला पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया। बारह ये वाली साइड मेरी रूममेट की साइड है, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने अपनी हल्की फुल्की चीजें यहाँ पे रखी हुई है जो की आज मैंने पैक कर लेनी है। ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ये मेरे कुछ नट्स है, ये मेरे ये दूध में डालने वाले कॉर्नफ्लेक्स की टाइप के होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ रूम स्प्रे है जो की ऐसे ऐसे कर दो तो फिर ये बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके साथ ये कुछ बर्तन है, ऑयल है और फिर और बर्तन है और फिर इसके साथ ये राइस ऐसे दिखते हैं और ये कुक्ड राइस होते हैं, तो इस वजह से मैं ये मंगवा लेती हूँ। आयरन है, ये भी संदीप की आयरन है और ये कुछ सामान जो कि मैंने मतलब फेंकना शेंकना है और ये कुछ मास्क वगैरह मेरे पड़े हुए हैं। तो ये था मेरा रूम जो कि मतलब इतनी जल्दी शुरू होने से पहले मैंने खत्म करके आपको दिखा भी दिया है। तो ये है जी मेरा 360 पे रूम टूर ये वाला। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। छोटे होते थे ना हम खेलते होते थे, ऐसे ऐसे घूमते होते थे, हम उसको कीकली कहते होते थे, हम कीकली डालते होते थे ऐसे करके। तो ये मैं कीकली की तरह भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा तो दिमाग घूम गया, आप लोगों का पता नहीं घूमा ही नहीं। रुक जा, थम जा। अब है हमारे बाहर वाले पोर्शन का। जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें बालकनी है और बालकनी की मेरी फ्रिज पड़ी हुई है। यार मुझे लग रहा है मैंने गिर जाना है। जब पुट्टी हरकतें करनी है तो फिर यही वाला काम होना है मेरा। पर्दे के पीछे क्या होगा, पर्दे के पीछे क्या है। ओह माय गॉड मैं भूल गई थी कि मैंने ना ये रखा हुआ है। ये यार एक्चुअली मेरा नमाज पढ़ने वाला दुपट्टा, ये कल गीला हुआ था तो फिर मैंने ना इसको यहाँ पे रखा था। ये मेरे सामने बॉयज हॉस्टल है और ये ऐसा दिखता था। ओह माय गॉड कितने प्यारे बादल आए हुए जी। यार मेरा ये क्या इसको बोलते हैं, यार गीजर, यहाँ पे गीजर है, यहाँ पे गैस का कनेक्शन है और यहाँ पे ये खाली डिब्बे हैं। ये मेरा अचार भी खत्म हो गया। और उसके बाद है जी हमारी फ्रिज। इसमें मेरा वैसे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये सारा कुछ संदीप का है। संदीप की जो फ्रिज थी ना वो खराब हो गई थी तो उस वजह से उसने मेरे पास रखा हुआ है। ये फ्रिज होती है छुटकू सी जो कि संदीप की बदौलत आप लोगों को भरी हुई नजर आ गई है। तो बस गाइज ये था मेरा रूम टूर। ज्यादा कुछ तो था नहीं मेरे पास आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, तो जितना की था उतना की मैंने आपको दिखा दिया है क्योंकि ये बहुत छुटकू सा हमारा रूम टूर था। तो मुझे वैसे समझ नहीं आती कभी कभी क्या खुशी मिलती है आपको रूम टूर करने की। वैसे मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना मैं भी लाजमी देखती होती थी, या मैं हमें बस चुस्से मार रही हूँ, मुझे पता है ये वाकई खुशी मिलती है देखने की कि दूसरे मुल्क में रह के आपको मतलब आप कैसे रह रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह के रूम्स हैं। अगर जाने से पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू सो मच।